आम आदमी पार्टी से कोई गठजोड़ नहीं होगा। अजय माकन। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान दिल्ली के सरकारी स्कूलों का शिक्षा स्तर काफी गिर गया है और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। इसके साथ ही अजय माकन ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में भी भारी गिरावट आई है। अगर आप ये एजुकेशन के बारे में बड़ा बताते हैं, मैंने जाखड़ साहब को भी बताया, 12वीं के बोर्ड में हमारे टाइम पे 1,44,000 बच्चे पास हुए थे, इस साल सिर्फ 1,02,000 बच्चे पास हुए हैं। टोटल हमारे टाइम पे 16,72,000 बच्चे स्कूल्स में हमारे टाइम के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल्स में थे, अब 15 लाख बच्चे सिर्फ रह गए हैं। सरकारी स्कूल छोड़ छोड़ करके लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं और ये रिवर्स ट्रेंड दिल्ली की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। 10th का हमारा पास परसेंटेज 69% सिर्फ रहा है, नेशनल एवरेज 84% है, और जो है 69% 10th का जो है वो हमारे टाइम पे जब हम लोग छोड़ करके गए थे 98% हम 10th का पास रिजल्ट छोड़ करके गए थे, जो अब 69% हो गया, नेशनल एवरेज से भी जो है ये 15% कम है। तो क्या किस जगह के ऊपर, मैं आपको तीन मोटा मोटी आपके जो है हेल्थ के अंदर जो है हमारे यहाँ पर सबसे बुरा हाल है, डेंगू चिकनगुनिया की इतनी डेथ्स कभी भी नहीं हुई जो कि पिछले 3 साल 4 साल के अंदर हमारे हुए। बिल्कुल कोई अलायंस के कुछ किसी भी तरीके का कोई अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ में नहीं होगा।